एक तरफ पूरे देशवासी जहां होली खेलने में मग्न थे, वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस होली के दिन काफी सतर्क थी। दिल्ली पुलिस के सतर्क रहने से होली में होने वाली घटनाओं में तो कमी आई। घटनाओं पर सतर्कता के साथ साथ दिल्ली पुलिस मालामाल भी हो गई। होली के दिन दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के जमकर चालान काटे। बता दें कि इस बार होली पर ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 2000 से ज्यादा चालान काटे हैं। होली में सड़क पर नशे में धुत हुड़दंगियों का आतंक दिखना आम बात है। पुलिस की एडवाइजरी के बावजूद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। होली के दिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के व्यापक इंतजाम थे। कई जगह इंटीग्रेटेड पिकेट्स थी, कई जगह इंडिपेंडेंट पिकेट्स थी। उसका नतीजा ये रहा कि ड्रंकन ड्राइविंग के 600 से ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे जो ऑफेंडर्स थे उनके चालान किए गए। इसके अलावा विदाउट हेलमेट के भी चालान किए गए, डेंजरस ड्राइविंग के भी चालान किए गए। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की व्यापक व्यवस्था थी जिसके तहत कई चालान किए गए। कुछ फैटल इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं इस दौरान, यानी होली के दिन कुछ लोगों की मौत हुई है ट्रैफिक में, यानी कि सड़क दुर्घटना में। तो इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं। दरअसल नया मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 10 गुना तक ज्यादा ट्रैफिक चालान काटा जा रहा है। होली पर ट्रैफिक पर चालान कटने की संख्या कुछ इस प्रकार है। 1192 चालान बिना हेलमेट के चालकों का काटा, 647 चालान शराब पीकर गाड़ी चलाने पर काटा गया, 181 चालान ट्रिपलिंग की वजह से कटा, 156 चालान स्टंट बाजों के कटे। दिल्ली यातायात पुलिस ने 1600 पुलिस कर्मी तैनात किए थे जिन्होंने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।